हो पा रहा। मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से, मंत्री जी मेरा बजा लाइए, रुपया लेकर आओ खजाने से तुम दीन दुखियों को जाकर के बटवाइए। जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और जाकर हमारे गरीबों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। लेकिन महाराज लोग कहा करते हैं कि जिसके सर से एक बार विश्वास का साया हट जाता है उसका दोबारा जल्द विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए हे महाराज, मैं आपके हुक्म का अनादर नहीं बल्कि पालन कर रहा हूं। लेकिन वह रुपया मैं अपने हाथों से नहीं बल्कि वो रुपया मैं करिंदा साहब के हाथों से बंटवाना चाहता हूं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे साथ में करिंदा को भी भेज दी। हाँ महाराज। ताकि वो रुपया हर गरीबों के पास पहुंच सके। जी महाराज। ठीक है करिंदा, जाओ जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और मंत्री भंवर सिंह के साथ हमारी रियासत की तरफ जाओ और एक एक घर में एक एक गरीब को पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए। हमारे आदेश का पालन किया जाए। मैं चल रहा हूं। करिंदा कहा राजमंत्री, बहुत अच्छा नेक काम किया। अरे हम तो नेक काम करते आए हैं भाई, और नेकी करके बदी भी नहीं लेना चाहता। तो एक नेक काम और करो कि खजाने से जाकर 10,000 रुपया लेकर आओ ताकि हम शाम होने के पहले कोरबा तख्तपुर पहुंचकर हर गरीब के दरवाजे पहुंचकर उन्हें उनका हक हम पहुंचा सके। थोड़ी देर आप इंतजार करिए, मैं यूं गया और यूं आया। करिंदा तूने भी पैसों का खेल नहीं देखा रे। आज के जमाने में लोग कहा करते हैं कि इंसान चोर नहीं, चोर तो पैसा होता है। पैसे का खेल तो अब तुझे दिखाऊंगा मैं। कसम पैदा करने वाले की, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी तो होगा लेकिन तोरा के पानी देने वाला कोई नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर। मंत्री जी मुर्दा पर, मंत्री जी मुर्दा। मारने का टाइटल हमारा बहुत पुराना था लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ कमजोरियां आ गई हैं जो मैं सीधा नहीं अब मैं उल्टा मारता हूं। इसलिए कि अब सिधाई का जमाना नहीं रहा। नेक रास्ता बताओ, नेक सलाह दो तो हराम ज्यादे लोग उसे उल्टी रात।
अगर हमरे नाम की बुराई तुम्हारी जबान पर एक वर्ड भी आया तो हम तुम्हारी हलक से जवान खींच लूंगा। याद रहे बाबू, यार दासी बनी रही जाला भाई, का करी बाबू, मरवाने का शौक है तो लाइन में आया करो। आइंदा याद रहे तो पहले हमसे टिकट लिया करो, नहीं नहीं नहीं, तब प्रवेश किया करो। आउट अभी तो शुरू किया है, कसम पैदा करने वाले की तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, जुबां पर तुम्हारे शिकायत रहेगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। याद रहे कहने वालों ने ठीक ही कहा है, सैर करो तो चमन की करो, बाद में क्या रखा है। सैर करो तो चमन की करो, अरे बाद में क्या रखा है, नौटंकी देखो तो शिवम की, और में क्या रखा है। वक्त का इंतजार करो, कसम पैदा कर रहे हैं किसी राज रियासत में ऐसा फूल खिलाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। राजमंत्री इत्मीनान के तौर पर गिन सकते हैं रोकड़ा करना, कहिए पुलिस को वर्दी से नहीं उनके जूतों से पहचाना जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इसे गिनने की जरूरत नहीं, हमें आंकड़ा और अंदाजा बराबर है कि तुम हमारे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। एक कुत्ते की तरह कब तक दुम हिलाता रहेगा, क्या रखा है वफादारी में, दो वक्त की रोटी, अरे दो वक्त की रोटी में क्या होता है, हाँ क्या होता है, अरे ना तू अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, ना पूरी शौक पूरी कर सकता है, और ना ही तेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है, और ना तेरी बीबी अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती है। कितनी पगार देते हैं महाराज तुझे? महाराष्ट्र के यहां हमारी पगार सिर्फ महीने भर की पगार 3,000 रुपए है। 3,000 आज के जमाने में 3,000 में नहीं, अरे 3-3 9 में भी कुछ नहीं होता, इसलिए मेरी सलाह मान, ऐसे ज्यादा कर भी कह सकता हूं। अरे बड़ा बुद्धू है तू, देख मेरे को, अरे जरा सा सर झुका दिया, अरे सर झुकाने से क्या हमारा सर कट गया, पूरा का पूरा हड़प गया मैं। मतलब आज के जमाने में सबसे बड़ा बप्पा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसी का सारा खेल है, अगर ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं तो कुछ नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं तो सुनो, अरे करिंदा बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं, करिंदा करिंदा बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं, मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बदलाओ, काम
बनता भाड़ में जाए जनता। फिफ्टी फिफ्टी जनता से कोनो मतलब नहीं रखो, बस अपने आप से मतलब रखो। 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं, और मिलेगा हे और मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे, अंदाज बतलाऊं मिलेगा। खूब राजमंत्री आपने सही कहा, सही फरमाया कि मैं महाराज के आगे पीछे कुत्ते की तरह दो मिलाता हूँ। करिंदा महाराज कहते हैं तो भागता हूँ, महाराज कहते हैं तो करता हूँ, लेकिन पगार के सिवा उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। करिंदा अगर मेरी बात मान जाएगा ना तो कसम पैदा करने वाले के रात और रात बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ हाँ, अरे तू भी अच्छे कपड़ों में नजर आएगा, तेरी बीवी भी अच्छे कपड़ों में, बच्चे अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे, अरे मोटर गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा। हाँ हाँ, तो अरे हमारी बात ही, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यार आपका मसला हमें बिल्कुल अच्छा लगा। मंत्री मेरे दिल में समाई, मंत्री मेरे दिल में समाई है, और यही अरे मान मुद्दत से मेरे मन को जभाई। महाराज विजय सिंह को इस दुनिया से हम मिटा देंगे। मार कर विजय सिंह को राज का कर ले बंटवारा, और यही अरमान मुद्दत से हमरा भी भेजा फिर गया, और आज से यूं समझो कि हम आपके बताए गए रास्ते पर और आपके इशारे पर ही काम करेंगे। महाराज विजय सिंह को अब इस धरती पर जीवित नहीं रहना है। नाथ लेकिन राजमंत्री जी तुम्हारे दिल की बात सुनकर, अरे हमरा जी का तो पारा पारा हो गया, करे ना पारा पारा हो गया। लेकिन राजमंत्री जी हम राज महाराज को अगर मार देते हैं तो आप ये समझिए कि उनका बेटा राज कुमार उधम सिंह अब कोई दुधमुहा बच्चा नहीं रहा, और फिर महारानी सस्करा इन लोगों को कैसे हम सरिंदा हमने सारा प्लान बना लिया है। वो कैसे? हमारे प्लान के मुताबिक सारे लोग हमारे सर्जन के जाल में फंस चुके हैं। जिस समय महाराज का खून करेंगे वो समय होगी 4:10। इसका मतलब इधर हम महाराज का खून करेंगे, उधर राजकुमार उधम सिंह कॉलेज से छुट्टी होकर राजमहल के लिए प्रस्थान करेंगे, और जिस समय हम उनके श्यान कक्ष यानी विश्राम कक्ष में उनको मारेंगे वो राजमहल में दाखिल हो गया होगा, और महारानी अपने श्यान कक्ष में होंगी। मारकर हम आवाज लगाते हुए राजमहल के मेन गेट से नहीं
पल के पीछे वाले गेट से निकल जाएंगे। और यह हमारी आवाज महाराज फैल जाएगी। और यह आवाज सुनकर अपने शयन कक्ष से महारानी महाराज के कक्ष में आएगी और रास्ता हमारे लिए खुला होगा, हम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएंगे। ठीक कहते हैं, मशवरा बुरा नहीं है। लेकिन इनको तो यानी तुम लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया है। प्यारे ललवा और हत्यारे ललवा, तुम लोगों ने क्या सुना? भाई हम सब तो कुछ नहीं सुन पाए। कुछ नहीं सुना तो सुनो, अगर कुछ नहीं सुना है तो सुनने की कोशिश भी नहीं करना, इसलिए कि राजमहल में बहुत गजब होने वाला है। इसलिए अपनी अपनी छुट्टी लेकर अपने अपने घर चले जाओ, अगर वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तुम लोगों को अपने बच्चे अपनी बीवी से जरा भी मोह और प्यार है तो यहां से छुट्टी लेकर अपने घर जाओ। आओ सुनो, अगर कुछ बनना है तो हम तुम लोगों को अच्छा और नेक रास्ता बताएंगे, जिससे कि तुम भी खुश और तुम्हारे बीवी बच्चे भी खुश। अरे हम का सोची था सब्जी नहीं पर रही, अरे हम तो विचार बनाए हैं कि कोनो बढ़िया ओहदा मिल तो ठीक है। प्यारे लाल, हमारे इशारे पर काम करते रहो, एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे। क्या करना होगा? वक्त का इंतजार करो, वक्त आने पर हम तुम्हें समझाएंगे और बताएंगे। ठीक, और हमारे बताए हुए रास्ते पर तुम दोनों को चलना होगा। ठीक, आओ और हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यानी शोभनाथ के जीजा और दीदी की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार, हम और हमारी पार्टी से लाख लाख धन्यवाद। यार इन हंसारे तो अच्छा प्लान बने हैं यार, मारे सारे फाट जा भी अपन कब है साले प्लान बनाए हैं। हाँ यार प्लान बनाए हैं कि महाराज का मारा जाए है और उधर राजकुमार उधम सिंह का फसावा जाए और इधर राज रियासत के अधवाद बंटवारा की जाए। ए भैया प्यारे लाल, कहाँ कहीं जब सारे अधवाद दोनों ले ली है तो हमरे तोहरे हथवा का है। हाँ यार एक का काम रह जाए, ले लेवा जाए कटोरा गली गली भीख मांगा जाए। नहीं वह ठीक है, यहाँ सारे हम मांगे भीख तू मांगे कौआ। अबे एक का बात या चूतिया। हाँ यार एक काम करो, ये बताओ का हमरे तोहरे रहते हुए का उनका तनी पड़ी उपाय कि बताओ दोनों जने पार्टनर हो जाए। चुप रह यार, एक काम करो, हमारे खोपड़ी खराब होती है, मूड खराब होता है, हम तू नवा प्लान बनवा जाए। का बनाओगे प्लान यार? हाँ प्लान बनवा जानते हो, मंत्रिया साले का तू मारा, मंत्रिया का तू मारा, करिंदा का हम मारा। नहीं ठीक कहता है, जौन तगड़ा है उसे हमका भिड़वावत है और जौन कमजोर है अपना मरी है। एक बात जान लो, मंत्रिया का बात छोड़ा, मंत्रिया का तू निपटा, अकरिंदा का हम पाई है गंगा कसम, जैसे कित की दाने का हस मूड़ी धाई के यहीं सही कहा। हराम
जादो कुत्तो दीवार का भी कान होते हैं, जो हमसे टकराएगा वो टकरा। किसको मारोगे? यह तो समझ नहीं पाया, अब ही पांच छह जने तुम्हारे विषय में चर्चा करते रहे। क्या कह रहे थे? चर्चा करते रहे कि बतावा इतना बड़ा प्लान बनाए हैं, जैसे इनके मुंह से निकला वैसे हमका बड़ा खराब लगा। हम कहे खबरदार, हमारे सबका प्लान कैंसिल न हो। क्या क्या बोला? हम कहे प्लान कैंसिल ना होए, हम सब जौन करी अपने मर्जी का माली कही। रियासत बाबू समझा दो लोगों को कि हमारे रास्ते का रोड़ नहीं बनेंगे, नहीं तो महाराष्ट्र से पहले इस दुनिया को वो लोग तुम्हारी मैया महतारी भैया। नमस्ते, नमस्ते। क्या बात है यार, आपस में गाली गलौज कर रहे हो तुम लोग? नहीं करते हैं, मारी समाज सबका यार बधाऊ कुल को बचा रहा, कोई प्लान बनवत रहे कि मारी सारे के। हम सोचे कि आपस में तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो। नहीं नहीं कल्लू भैया, मैं कॉलेज गया था, वापस आ गया हूँ। आज ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि अपनों पर कोई आपत्ति आने वाली है। हाँ भाई, आपके ऊपर हमारे सबके रहते हुए ऐसा नहीं है, किसके ऊपर कब आपत्ति आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन हमारा दिल यही कहता है कि चल करके अपने पिताश्री से और माँ से मुलाकात किया जाए। ए भैया, कॉलेज से आवत हा, चलते चलते एक राष्ट्रीय गीत सुनाए दे भैया। सुकमान हाँ भैया, अपना भारत देश 1947 में आजाद हुआ है। हाँ भाई, आजाद है और आजाद रहेगा। हमारे देश के नौजवान सिपाहियों ने कहा था कि भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, प्यासे को पानी पिलाना अगर बगावत है, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूंगा जुल्म दुनिया से, यही ऐलान है मेरा। क्या नहीं भैया, ए भैया एक हम नहीं कहते हैं आपके गांव वाले ही 10 रुपया दे हैं, हड़बड़ाए न केहू, भागे न केहू, कई भाई देखा नाच होते हैं गांव को, मन सब हिया हवे हैं, चार छह लोग घरों पे हैं। भैया बतावत है कि यार बहदैया में भैंस खुल गई दूध देने गई, ते देख लिया भाई सब जने अपन घरों द्वार देखा जाया, दूध भैंस खुल गई। मानिए छोटे लाल भैया, देखा कतई चरे गए हुई है छोटे लाल अल्लीपुर वाली, 21 रुपए का पुरस्कार भैया, इनके मोबाइल खो गए है, हेराई गए है भाई, गूगल में 30,000 रुपया है भाई, चेक के उपाय हुए नहीं दे, 5,000 रुपया का तुरंत निकाल के दे दी जाए। हर मर गए, मर गए, मर गए, मिट गए जो है निज आन पर। बस का तो सबने बता दिया है यार, समझ भैया नहीं बतावत रहे, लेकिन इस समय जीव खाए रहे कि नहीं, एक अनाउंस कर गया। चलो ठीक है भैया, सतर्क हो जा सब जने। हेलो भैया, छोटे लाल के साथी बर्फी लाल भैया, बर्फी लाल का मोबाइल हेरा गए है भैया, वो गूगल में जाल 30,000 है, जे के उपाय हो दे दे, 5,000 निकाल के तुरंत दे दी जाए। और मर गए मिट गए जो है निज आन पर, उनकी इतिहास में है कदर साथियों, मर गए मिट गए जो है।
उनकी इतिहास में है कदर साथियों, हर जो जवानी मिटी है वतन के लिए। जो जवानी मिटी है वतन के लिए, उस जवानी का होता असर साथियों। जो जवानी